शिवसेना के प्रदेश महामंत्री ललन सिंह ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के प्रांत प्रमुख अजीत कुमार पांडे और शिवसेना के संगठन मंत्री इंजीनियर गौरव पांडे के नेतृत्व में इंजीनियर पुनीत शुक्ला को गोरखपुर का जिला प्रभारी और पन्नेलाल पासवान को जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। वहीं जिलाध्यक्ष पन्नेलाल पासवान की संस्तुति पर सुधाकर पासवान को खोराबार का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही महराजगंज जनपद के जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, कोषाध्यक्ष अतुल पांडे और जिला प्रचारक दुर्गेश दुबे का मनोनयन किया गया है। कुशीनगर जनपद में जिला प्रभारी दुर्गेश मणि त्रिपाठी और जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मल का मनोनयन किया गया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटें पूरे दम पर चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए शिवसेना के उत्तर प्रदेश के महामंत्री ललन दुबे ने कहा, प्रेस वार्ता हमारे जो है गोरखपुर मंडल के वार्ता के माध्यम से हम यह चाहते थे कि आज एक औपचारिक रूप से जो है इसकी पूर्ति हो जाए, पूर्ण हो। किन किन लोगों को कौन सा पद दिया गया और किस तरह से? देखिए, इसके लिए हमने आपको बता दिया है, हमारे गोरखपुर के इंजीनियर पुनीत शुक्ला जी को जिला प्रभार मिला है गोरखपुर का। पन्नेलाल पासवान जी जो कि काफी ख्यातिलब्ध हैं हमारे गोरखपुर जिले के, उनका बड़ा अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड है। पन्नेलाल पासवान जी को जिलाध्यक्ष शिवसेना गोरखपुर का मनोनयन हुआ है। इसी तरह हमारे कुशीनगर के क्या नाम है जिला प्रभारी जो पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं, दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी जिला प्रभारी हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर हर जगह का हुआ है। यह एक पेपर के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें सब कुछ है, आप इससे अवगत हो जाएंगे। जो लोग चयनित हुए हैं पदाधिकारी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आगे किस तरह से कार्य करेंगे? यह सारे लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर और इनके बैकग्राउंड को देखते हुए किया गया है। यह सारे लोग जिनका भी चयन किया गया है, यह काफी सामाजिक लोग हैं और अच्छे लोग हैं। शिवसेना में देखिए, हर किसी का चयन नहीं होता। शिवसेना अपने पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बहुत सोच विचार के चयन करती है और शिवसेना एक परिवार है। शिवसेना में हर लोग एक दूसरे के सुख और दुख के साथी होते हैं। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं ही, हमारे भाई हैं, निश्चित रूप से हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हैं और मेन जो वर्क हमारा है, हम जनता की जन अपेक्षाओं पे, उनकी समस्याओं के निवारण हेतु जो कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म हमें यही सिखाता भी है, हमें नेक नियति से समाज के लिए अच्छा कार्य करना। संगठन का विस्तार हो रहा है क्या? 2027 में लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पे लड़ेंगे। संगठन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है आज के डेट में। पहले और अब में निश्चित तौर पे जमीन और आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया का जमाना है और अब जो है बहुत तेजी से कोई भी कार्य बहुत तेजी से होता है पहले की अपेक्षा। तो शिवसेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हम ग्राम स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक 2027 को हम लोग अपना टारगेट करके चल रहे हैं। 2027 में कम से कम 100 टिकट पे हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में। ललन दुबे, मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश महामंत्री का दायित्व है हमारे पास। आप अजीत पांडे जी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, आप जो है प्रांत प्रचारक हैं गोरख नगरी के। तो ऐसे शिवसेना का जो है बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग काफी उत्साहित हैं।